हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर वीकेंड के बार में सलमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। क्यों? क्योंकि सलमान पहले ही इस हफ्ते अपने दोस्त को खो चुके हैं, सिद्दीकी साहब को खो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से सलमान 24 घंटे हाई सिक्योरिटी के अंदर हैं, और ऐसे में सलमान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन कंटेस्टेंट्स के ऊपर वीकेंड के वार में जमकर निकाली। सलमान ने चुम की जमकर क्लास लगाई। सलमान ने चुम से कहा कि चुम, तुम बीते हफ्ते कुछ नहीं बोली, लेकिन इस हफ्ते तुमने जो हरकत चाहत के साथ की है उसको तुम कैसे जस्टिफाई करोगी? वो सिर्फ और सिर्फ खाना बना रही थी और तुमने उससे लाइटर छीना। उस गैस के ऊपर वो पानी रख चुकी थी जो कि गर्म था, वो चाहत के ऊपर गिरा। चाहत ने उस बात का मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आई। तुमने बर्नर को छुपा दिया, यहाँ तक कि तुमने नायरा को बोलकर, सारा को बोलकर चाहत को पीछे से कस के पकड़वाया, जिससे चाहत खाना ना बना सके। क्यों? घर के अंदर आप सब ग्रुप में नहीं खेल रहे हैं, इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा था कि भूख हड़ताल करेंगे तो बिग बॉस अपना फैसला बदल देगा या अविनाश आप सबको खाना दे देता? आपने तो खुद जाकर अविनाश से रात को बात की थी और उसके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। अगर चाहत ने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा? और तुम उसके साथ हाथापाई पर उतर आई, मतलब तुमने सारी हदें पार कर दी। जिस तरीके से इस घर के अंदर तुम लोग चाहत को ट्रीट कर रहे हो, वैसे तो घर के किसी नौकर को भी नहीं किया जाता। चाहत ये सब झेल कैसे रही है? वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन चुम तुम बाज नहीं आई। तुमने उसको खाना नहीं बनाने दिया और जो राशन उसने अविनाश से लिया था तुमने वो राशन तक छुपा दिया। इज इट राइट? ऐसे में चुम ने कहा कि सर, हमारे पूरे ग्रुप ने इस बात को प्लान करा था और उस समय उस ग्रुप में चाहत भी थी, उसने भी कहा था कि ठीक है, हम नहीं खाएंगे खाना जब तक सबके लिए नहीं मिलेगा। ऐसे में सलमान ने कहा, तो उसने खाना ले लिया, अब क्या? क्या आप उसके साथ फिजिकल होंगी, वॉयलेंस करेंगी, हाथापाई करेंगी? जब आपके ऊपर अविनाश चढ़कर आ रहा था तो आपने ये कह दिया कि यू गॉट स्केयर्ड, आप अनसेफ हो गई, लेकिन आपने क्या करा? आपने भी तो एक औरत को अपने निशाने पर लिया और उसे अनसेफ फील करवाया। वेल दोस्तों, चुम की बोलती बंद हो गई, क्योंकि चुम ने भी तो वही किया जो अविनाश उसके साथ कर रहा था और उसके पीछे उसने घर में बवाल मचाया था। आप क्या कहेंगे? क्या सलमान ने जो कहा वो सही कहा? क्या चाहत को सच में सलमान ने इंसाफ दिलवाया? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।